तो देखो ब्लड लाइन जो है मनी इन द बैंक के अंदर कंपीट करने वाली, ये बात तो हम लोग जानते हैं। लेकिन पहले लगा ऐसा रहा था ना कि जेकब के डेब्यू के बाद यहाँ पर एटमेंट टैग टीम एक्शन होगा, लेकिन इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है। रोमन रेंज उसूस के रिटर्न, एक पुरानी चैंपियनशिप शायद वापस आ सकती है, और भी तुम्हें कुछ न्यूज जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ ब्लड लाइन एंड मनी इन द बैंक के PLE के साथ में, जो कि WWE का अगला शो होगा। अब देखो जेकब ने जब डेब्यू कर लिया स्मैकडाउन के बाद, तो ब्लड लाइन के अंदर चार मेंबर हो चुके हैं। लेकिन सामने बात करें कोडी रोड्स के बारे में, उनके पास सिर्फ दो ही पार्टनर है, यानी कि एक तरह का कोडी रोड्स को एक और बंदे की जरूरत है टामा टोंगा, टोंगा लुआ, सोलो सिकोया और जेकब फाटू का फेस करने के लिए। तब जाके सभी को लगा था कि मनी इन द बैंक के अंदर एक 8-man टैग टीम एक्शन होगा। बाय द वे जेरो न्यूज की तरफ से रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने, और जेरो न्यूज ने बताया कि एक्चुअल में WWE वाले 6-man टैग टीम एक्शन ही जो है वो मैच का प्लान कर रहे हैं मनी इन द बैंक के अंदर, जो कि हल्का सा सरप्राइज वाली बात है। आई गेस मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो WWE वाले हैं वो टोंगा लुआ को कंपीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जेकब को कंपीट ना करवाना थोड़ी मूर्खता वाली बात होगी। वो रिंग साइड के ऊपर खड़े रहेंगे मैच के दौरान में, तो WWE इससे अच्छा उन्हें बुक करें मनी इन द बैंक के अंदर, तो फैंस को देखने में मजा आएगा। मनी इन द बैंक PLE है, तो अगर तुम कहते हैं ना ऑडियंस के सामने दिखाते हो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कि भैया जेकब ये कर सकता है, तो आने वाले मैचेस के लिए भी उनके लिए बेहतर रहने वाला है। तो ये कुछ 6-man टैग टीम एक्शन होगा। आई गेस मोस्ट प्रोबेबली टोंगा लुआ ही नहीं कंपीट करेंगे, अगर जेकब को WWE कंपीट नहीं करवाती है तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज होगी जो कि कंपनी पुल आउट करने वाली है। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जजमेंट डे के बारे में जुड़ी है। डेमियन प्रीस्ट हमारे करंट वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया कि तुम लोग ये पॉसिबिलिटी रूल आउट मत करना कि सेथ रॉलिंस फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप रिक्लेम नहीं करेंगे मनी इन द बैंक के शो के अंदर। बाय द वे रिसेंटली कुछ अपडेट्स नहीं सामने उनके और जजमेंट डे के पूरे फ्यूड को लेकर, बिकॉज इवेंचुअली जिस तरीके से स्टोरी प्लॉट हो रही है हम लोग जानते हैं कि कोई एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब डेमियन प्रीस्ट पे पूरा फैक्शन टर्न होगा और प्रीस्ट बेबी फेस टर्न की तरफ बढ़ेंगे। तो बताया जा रहा है काफी ज्यादा जल्दी WWE इसकी प्लानिंग कर रही है, यानी कि तुम ये समझ लो कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ना फाइनली डेमियन प्रीस्ट अकेले पड़ेंगे। मुझे लग रहा है समर स्लैम से पहले ही चीजें पूरी टर्न आउट हो जाएंगी डेमियन प्रीस्ट के लिए, और प्रीस्ट एज बेबी फेस एंटर करेंगे समर स्लैम शो के अंदर, और काफी जल्दी जो पूरा फ्यूड है वो स्टार्ट होगा। आई गेस मोस्ट प्रोबेबली पहले जो है हमारे फिन बैलर भी ट्रे करेंगे, फिर डोमिनिक भी करेंगे, क्योंकि डोमिनिक और लिव मॉर्गन के बीच में डेमियन प्रीस्ट को ज्यादा बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें इवेंचुअली मिलकर डेमियन प्रीस्ट को अकेला कर देंगे। आई गेस जब रिया रिप्ले आएंगे वापस तो वो भी उनका साथ नहीं देंगी, तब हमारे डेमियन प्रीस्ट का इवेंचुअली बेबी फेस टर्न होगा। लेकिन अभी फिलहाल अच्छी न्यूज यही है, या फिर जो भी डेमियन प्रीस्ट का बेबी फेस टर्न चाहते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज यही है कि बहुत ज्यादा जल्दी प्रीस्ट वर्सेस जजमेंट डे का फ्यूड है वो काफी जल्दी WWE के अंदर स्टार्ट होगा। अब बढ़ते हैं आज की हमारी अगली स्टोरी की तरफ, इस बार हमारे रिंग जर्नल गंथर के बारे में जुड़ी है, या फिर किंग जर्नल गंथर के बारे में जुड़ी है। गंथर ने इस साल अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारे रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन इसके बाद उन्होंने किंग ऑफ द रिंग का पूरा शो जीता। अभी फिलहाल समर स्लैम के अंदर उनके पास एक टाइटल अपॉर्चुनिटी भी है। अब देखो टाइटल अपॉर्चुनिटी की तो बात अलग है, लेकिन सेथ रॉलिंस के साथ एक ऐसा फ्यूड है जो कि गंथर का अभी तक सही से इनिशिएट नहीं हुआ है, या फिर WWE ने इनके फ्यूड पे भी कैपिटलाइज नहीं किया है। तो फ्यूचर गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस के प्लान्स भी आए सामने। बताया जा रहा है WWE जो है वो उनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन होगी। गंथर और सेथ रॉलिंस इवेंचुअली WWE में कंपीट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो इसी साल भी हो सकता है। मान लो अगर सेथ रॉलिंस जो है वो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत लेते मनी इन द बैंक शो के अंदर एक बार फिर से, तो समर स्लैम के अंदर गंथर वर्सेस सेथ का मैच होगा, तो मे बी हो सकता है वो भी सिर्फ एक बार का मैच ना हो, WWE उसको भी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे। जैसे आजकल हम लोग देख ही रहे कि एजी स्टार कोडी रोड्स का मैच भी दो बारी में हुआ, एक बार रीमैच मिला इक्विट वगैरह वाला, तो ऐसी चीजें तुम्हें इस फ्यूड में भी देखने के लिए मिलेंगी जब भी तुम्हें सेथ रॉलिंस और जो गंथर का फ्यूड है वो होता हुआ नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा समर स्लैम के अंदर फ्यूड हो जाएगा, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर समर स्लैम के अंदर भी होता है तो मे बी जस्ट एक वन टाइम मैच नहीं होगा, इसका रीमैच भी होगा, या WWE पहले वाले में क्लिफ हैंगर एंडिंग करवा देगी ताकि इसका रीमैच करवा सके। तो ये कुछ प्लान्स है इन फ्यूचर सेथ रॉलिंस वर्सेस गंथर के फ्यूड को लेकर, जो कि कंपनी के अंदर डेफिनेटली होगा। अब बस लेट्स सी कि वो किस तरीके का होता है, कब होता है, वर्ल्ड चैंपियन कौन रहता है, वो सेथ रॉलिंस रहते हैं या फिर रहते हैं हमारे किंग जर्नल गंथर। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, और इस बार एक पुरानी चैंपियनशिप के कमबैक के बारे में जुड़ी है, और मैं बात कर रहा हूं यहां पर डिवास चैंपियनशिप के बारे में। अगर तुम लोग WWE को पहले से देख रहे हो तो 2013-14 के अराउंड में जो WWE की मेन वुमेन्स वाली चैंपियनशिप थी वो डिवास चैंपियनशिप थी, वही पिंक कलर का, उसके बीच में लोगो वगैरह बना हुआ था, ब्लैक कलर की स्ट्रैप थी, और मुझे लग रहा था वो डिजाइन काफी डिसेंट और अच्छा सा था, और इवन पेज हो गई, एजे ली हो गई, ये सभी चैंपियनशिप जीती हुई, यानी कि बेला इवन हो गई। तो हुआ क्या रिसेंटली जब चेल्सी ग्रीन जो है वो मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई हुए वुमेन्स वाले, तो उन्होंने एक अजीबोगरीब ट्वीट डाला अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, जिसका स्क्रीन शॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। यहां पर वो करते हैं अपने आप को क्लेम कि भैया जब मैं जीतूंगी अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप को तो एक पिटीशन स्टार्ट करने वाले हैं, और बेसिकली जो पिटीशन होगी वो इसलिए होगी ताकि जो
पुराने डिवास चैंपियनशिप है वो कंपनी के अंदर वापस ला सके। अभी फिलहाल ट्रिपल एच वगैरह किसी भी ऑफिशियल के ऊपर रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन हमने पहले भी देखा है WWE के अंदर कोई बंदा अगर पर्टिकुलर चैंपियनशिप जीतता है या फिर कोई भी अपने कहते ना चैंपियनशिप क्लेम कर लेता है तो वो उसको चेंज कर देता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देता है। डैनियल ब्रायनसन, ब्रायन डैनियलसन जो भी कह लो, वो एक अच्छा एग्जांपल है जब वो एकदम वो कहते हैं ना लक्कड़ वाली चैंपियनशिप WWE में ले आए थे। तो यहाँ पर ये कुछ डिमांड है हमारे चेल्सी ग्रीन की, अगर वो मनी इन द बैंक के मैच को जीत रही है, वुमेंस मनी इन द बैंक के लैडर मैच को उसको कैशिंग कर रहे हैं, फिर किसी भी तरीके से वो वुमेंस चैंपियन बन रही है, जो मेन टाइटल है वो उनके हाथ में आ रही है, तो एक पिटीशन स्टार्ट करेंगी ताकि जो पुरानी चैंपियनशिप है अब वो डिवास वाली वापस आ सके। मेरे हिसाब से डिजाइन अच्छा था उसका भी, करंट चैंपियनशिप का भी डेफिनेटली डिजाइन अच्छा है, लेकिन तुम लोग क्या प्रेफर करोगे? तुम्हारे हिसाब से जो करंटली अपने वुमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप और जो WWE वुमेंस टाइटल है उनके डिजाइन से वो ज्यादा बेटर है, या फिर जैसा ग्रीन कह रही है हमारी कि भैया पुरानी डिवास चैंपियनशिप वो वापस लाएंगी वो ज्यादा बेटर डिसीजन होगा? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कॉमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। रोमन रेंस एंड द यूसोस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस WWE से गायब है, यूसोस में से एक यूसो सिर्फ है जो कि मंडे नाइट रॉ में कंपीट कर रहा है, वो है हमारे हीट मास्टर जे यूसो। लेकिन बताया जा रहा है रोमन रेंस का कमबैक तो काफी ज्यादा जल्दी होगा। तो रिसेंटली कुछ अपडेट आई है सामने रोमन रेंस और यूसोस के पूरे रियूनियन को लेकर, और बताया जा रहा है तुम लोग ये मत समझना कि शायद रोमन रेंस अकेले WWE के अंदर वापस आएंगे। स्पेकुलेशन अभी फिलहाल कि जरूरी नहीं कि रोमन रेंस अकेले वापस आए, वो पीटें सोलो की ब्लड लाइन से तब जाके वो लेके आए यूसोस को, जरूरी नहीं है ऐसा हो। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंस पहले से कमांड देखे रखा हो और जे यूसो और जिमी से बात कर लियो पॉल हेमन ने, तो जैसे ही रोमन रेंस वापस आएंगे यूसोस उनके साथ ही कमबैक करने वाले हैं। करंटली जे यूसो मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर कंपीट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां जाके ब्लड लाइन जो है बीच में इंटरफेयर करेगी और ब्लड लाइन कॉस्ट करने वाले वो जे को मुझे नहीं लगता जीतने देगी किसी भी हालत के अंदर। तो अगर वो जे को कॉस्ट कर रही है वहां पे तो तुम लोग समझ लो रोमन रेंस का कमबैक एकदम सर पे आ चुका है। रोमन रेंस वहीं कमबैक करेंगे और वो यूसोस की पलटन को अपने साथ लेकर आएंगे। जिमी यूसो ऑलरेडी इंजर्ड है और जिमी यूसो ऑलरेडी एक विक्टिम है इस वाले ब्लड लाइन की, क्योंकि सोलो और जब टामा का डेब्यू हुआ था तभी जाके इन लोगों ने जिमी की ऐसी तैसी कर दी थी, तो जिमी का तो ऑलरेडी सीन बन रहा है। जे को पहले लोग बहुत बार कॉस्ट कर चुके हैं, लेकिन मनी इन द बैंक में भी इस लिस्ट के अंदर लेटेस्ट एडिशन होगा और तब जाके रोमन रेंस दोनों को अपनी रिटर्न के साथ ही ले आएंगे और WWE के अंदर तुम्हें इन तीनों का रियूनियन तुरंत ही देखने के लिए मिल जाएगा। या फिर ऑफकोर्स WWE दूसरे एंगल के साथ भी जा सकते हैं, जो कि मैंने बताया कि भाई पहले रोमन आएंगे वो पिटेंगे फिर वो यूसोस को लेकर आएंगे, तब जाके ये पूरा सिविल वॉर वाला जो काम है वो चालू होगा। या फिर हो सकता है यूसोस खुद ब खुद आकर रोमन रेंस को बचा लें, वरना WWE वाले ये भी प्लान कर रहे हैं कि क्यों ना हम लोग डायरेक्टली इनका रियूनियन करवा दें जब हमारे जे यूसो को ये लोग कॉस्ट करें। जे यूसो भी रोमन के साथ है, जिमी ऑलरेडी WWE से बाहर थे तो रोमन तो जिमी को लेकर के आएंगे, और ऑफकोर्स इस सभी रियूनियन के पीछे हमारे मास्टरमाइंड पॉल हेमन भी होंगे। तो तुम्हें कौन सा ज्यादा बेटर आइडिया लग रहा है? तुम्हारे हिसाब से का जो रोमन रेंस है उन्हें लेकर ही आना चाहिए यूसोस को अपने साथ में इस रियूनियन के लिए, या फिर पहले आए वो सोलो से पिटे और तब जाके रियूनियन हो? चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है वही पुराना काम करना है, नीचे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।